अभी अभी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए यूपी के ये दो दिग्गज नाम सुनकर उड़े होश। जी हाँ, अभी अभी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए यूपी के ये दो दिग्गज नाम सुनकर उड़े होश। लखनऊ। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले 9 नए मंत्री सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। इन चेहरों में दो यूपी के नेता भी शामिल हैं, शिव प्रताप शुक्ल और सत्यपाल सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मोदी की नई कैबिनेट में यूपी से राजनाथ के करीबियों को तवज्जो दी गई है। जानिए अब से इन दो नए चेहरों को क्यों चुना गया। एक, सत्यपाल सिंह 62। कौन है सत्यपाल सिंह? जाट कम्युनिटी से आते हैं। संजीव बालियान के बाद वेस्ट यूपी में बीजेपी का प्रमुख चेहरा है। महाराष्ट्र कैडर में 1980 बैच के आईपीएस अफसर रहे। राजनीति में आने से पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। इस दौरान 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। तब छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गावली गैंग का दबदबा था। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हुए और बागपत से सांसद चुने गए। क्यों चुने गए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे। ईमानदार इमेज। पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण। किससे नजदीकी? राजनाथ सिंह और अमित शाह। दो, शिव प्रताप शुक्ल 65। कौन है? यूपी के सीनियर बीजेपी लीडर हैं। एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं। यूपी में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा, ग्रामीण विकास और जेल सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के लिए याद किए जाते हैं। इसके अलावा पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। एबीवीपी और बीजेवाईएम के सदस्य रह चुके हैं। छात्र आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए हैं। क्यों चुने गए? यूपी में राजनाथ कल्याण सरकार में मंत्री रहे। एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पर पकड़। किससे नजदीकी? राजनाथ सिंह के भरोसेमंद। ये हैं 7 अन्य नए मिनिस्टर्स के नाम। 1, अश्विनी कुमार चौबे बिहार। 2, वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश। 3, अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक। 4, राजकुमार सिंह बिहार। 5, हरदीप सिंह पुरी डिप्लोमेट। 6, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान। 7, अल्फोंस कन्नुनथानम केरल। अभी फेरबदल की 4 वजह है। 1, लोकसभा चुनाव, इसमें 20 महीने बचे हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी संघ और सरकार के रणनीतिकार।